अभी जो गृह मंत्रालय द्वारा जारी अनलॉक की गाइडलाइंस हैं, उनमें स्कूलों या कॉलेजों को खोलने से संबंधित कोई निर्देश नहीं है, ये तथ्य स्पष्ट होना चाहिए। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है वो ये कि स्वास्थ्य मंत्रालय विभिन्न गतिविधियों को जब जब वो खोली जाती हैं, जैसे निर्णय एक हुआ था कि आप मॉल्स को खोलेंगे या जिम्स को खोल सकते हैं या इकोनॉमी के अन्य गतिविधियों को खोल सकते हैं, तो ऐसी प्रत्येक गतिविधि के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा एक SOP बनाया जाता है। तो इसी प्रकार का SOP जब भी कभी शैक्षणिक संस्थाओं को खोलने का निर्णय होता है तो वो SOP फिर प्रभाव में आएगा और उसको इंप्लीमेंट किया जाना होगा। जब जब अनलॉक की गाइडलाइंस निर्गत होती हैं तो होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच का पालन किया जाता है। ये गाइडलाइंस किसी एक मंत्रालय द्वारा जारी की जाती हों ऐसा नहीं है, एक मंत्रालय के तकनीकी निर्गत आदेश से जरूर वो जारी होती हैं, लेकिन उसमें सभी संबंधित मंत्रालयों से विमर्श किया जाता है और व्यापक विचार विमर्श किया जाता है। अब जब भी अगली इस प्रकार की गाइडलाइंस निर्गत होंगी तो मानकर चलिए कि वो व्यापक विचार विमर्श के उपरांत ही जारी की जा रही हैं।